अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस कंसोनेंट के बारे में बात करेंगे जो वैसे तो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिसको होता है उसका ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। आज हम बात करेंगे ड कंसोनेंट के बारे में, ठीक है। यानी ड के नीचे जिसकी बिंदी लगी होती है उसको ड कंसोनेंट कहते हैं। जैसे गड़बड़ में गड़, ये वाला कॉन्सोनेंट गड़, ये वाला कॉन्सोनेंट बहुत से लोग बोलते हैं गरबर, ठीक है। मतलब इसका सही तरह प्रोनाउंस नहीं होता। खासतौर पे यूपी और बिहार स्टेट के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें खासतौर पे ये प्रॉब्लम देखी गई है और ज़्यादातर प्रॉब्लम वहीं पर देखी गई है। वो र को भी अड़ प्रोनाउंस कर देते हैं। जैसे आप उसने बोलना है कुमार, तो कुमाड़। र में भी ये ज़्यादातर यूपी और बिहार वालों में, जो स्टेट के होते हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज हम जो बात करेंगे कि अगर कोई किसी का भी ड कंसोनेंट में दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक्सरसाइज होती हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी होती है इसके लिए। तो जो ज़्यादातर जो पार्ट करता है वो टंग का आगे वाला पार्ट काम करता है। तो इसमें क्या करना है, आपने जितनी भी टंग एक्सरसाइज करनी है वो टंग के आगे वाले पार्ट पर करनी है। जैसे मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, अप डाउन, ठीक है। ये पूरा अप डाउन ऊपर नीचे होना चाहिए। इसके आप 10 to 15 रेप्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूव टंग टिप। जो टंग की टिप होती है इसको मूव करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आउटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्पीड अप डाउन। आप इसको स्पीड में अंदर बाहर भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और जो भी काम करना है आपको स्पीड में करना है ताकि आपका जो आगे वाला पार्ट है वो वर्क करे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो टंग के आगे वाला पार्ट पे होती हैं। और भी काफ़ी एक्सरसाइज हैं, ये मैंने मेनली शुरुआती जो एक्सरसाइज हैं वो बताई हैं, ठीक है। ये टंग एक्सरसाइज करें आप, इसके 10 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है ड कंसोनेंट कैसे बोला जाता है। देखो, ड कंसोनेंट बोलने के लिए दो कंसोनेंट, ड यानी कि अ और ड, दो कंसोनेंट को मिलाकर बना है, ठीक है। इसको ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। अगर हमें अ ड बोलते हैं तो कैसी साउंड आती है, अड 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 अड, यानी कि आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अड की साउंड आएगी। इसको धीरे धीरे करके आपने शुरुआती दौर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, अड 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 अड। इसके बाद 12 कड़ी की प्रैक्टिस करनी है, अड अडा अडी अडी उडू उडू डे डे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप धीरे धीरे, जब कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन इस प्रैक्टिस को हो जाओगे, फिर आप धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाओगे, अड 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 अड। अब देखो, आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ इसमें ड की आवाज़ आ रही है। इसमें धीरे धीरे फिर आप और स्पीड करोगे। इसमें क्या करोगे, अ को पूरा माइनस नहीं करना, थोड़ा सा माइनस करना है, अड 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 अड। देखो, मैंने अ माइनस किया, अब मैं और माइनस करता हूँ, अड 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 अड। अब देखो होगा, अड की जगह ड की साउंड आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, इस तरह से आपकी जो अड वो ठीक होने लगेगा। फिर आप वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गड़ 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 गड़ा गड़ी गड़ी गुड़ू गुड़ू। इस तरह से आप ये स्पीच थेरेपी करके, आप इसकी प्रैक्टिस करके आप ठीक हो सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और रेगुलर टंग एक्सरसाइज करोगे और लगातार स्पीच थेरेपी करोगे, चाहे 12 खड़ी हो या शब्दों की प्रैक्टिस हो, रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।